अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ईटेक चैनल, ईटेक ट्यूटोरियल्स फॉर एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम बुक एक 3D मॉडल किस तरह बनाते हैं। तो बना देर की आइए स्टार्ट करते हैं। प्रो ओपन करते हैं और यहाँ पे हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। पार्ट फाइल सेलेक्ट करते हुए इसको चेक करेंगे और फाइल का नेम रखेंगे यहाँ पे बुक। और हमारे पास ये 3 प्लेन्स आ चुके हैं जिसपे हम इन पहले बुक का कवर बना लेते हैं। बुक का कवर आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे बना सकते हो। के पास एक्चुअल बुक्स चल भी हो तो भी आप उनकी एक फ्रंट कॉपी स्कैन करके आप लग सकते हो। इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक प्लेन पे स्केच करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। विड्थ और साइज हमारी सेम उस पिक्चर के एस्पेक्ट रेशो के साथ होगी एज इट इज। ओके, प्रेस करेंगे कंट्रोल डी और एक्सट्रूड थिकनेस। अगर आपको कोई भी सवाल आते हो तो भी आप कमेंट में आप लिख सकते हो, ट्राई टू आंसर दोज। हमने हाइट रखी 150, ये रियलिस्टिक व्यू। और यहाँ पे आके हम के फ्रंट को कलर करेंगे, अपीयरेंसेस मैप में आके यहाँ पे कलर टेक्सचर और जो हमने पिक्चर सेव की थी उसको ओपन करें। ओके प्रेस करेंगे। अब हमने यहाँ से ब्रश को क्लिक करके ओके प्रेस करना, देख सकते हो कि हमारा बुक का फ्रंट कवर यहाँ पे छप चुका। चैनल को सब्सक्राइब करते चलें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस भी मिलती रहें। आगे चलते हैं, इस प्लेन पे एक स्केच बनाते हैं। और आर्क यूज करते हुए यहाँ पे आर्क बना लेते हैं। यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं और इसको यहाँ से स्नैप कर लेते हैं। बेसिक 2D इंटरेक्शंस के लिए आपके पास यहाँ पे टॉप मोस्ट कॉर्नर पे वीडियो आ रही होगी तो आप देख सकते हो। तो मिरर करेंगे उस साइड और लाइन यूज करते हुए इसको इंक्लोज्ड कर देंगे। एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर देंगे। ओके, कंट्रोल डी एक्सट्रूड करेंगे डायरेक्शन चेंज करके। अब हम यहां पे सरफेस सेलेक्ट करेंगे ताकि यहां तक एक्सट्रूजन हो। देखें कि बुक हमारा काफी अब रियलिस्टिक बन चुका है। राउंड कमांड यूज करते हुए इन कोनों को थोड़ा कर देते हैं 5 और इसको भी कैन सी। ओके, टॉप राउंड एजेस को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके कैन सी, अब टॉप सरफेस पे स्केच में आ जाते हैं। और यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करते हैं। ओके कंट्रोल डी और यहाँ पर हम स्वीप यूज करते हुए कट करेंगे ताकि बुक के साइड वाइज हमारे पास पेजेस का शेप भी आ जाए। सेलेक्ट ट्रेजेक्ट्री, लाइन सेलेक्ट करते हुए
ओके प्रेस करेंगे और डन, और उसको डन। रेफरेंसेस बनाएंगे, जूम इन आ जाते हैं। मैं थोड़ा जल्दी में आ रहा हूँ। आप बेसिक कमांड्स के लिए ये टॉप मोस्ट कॉर्नर पे वीडियोस देख सकते हो, स्वीप और डिफरेंट कमांड्स किस तरह यूज़ करते हैं। आर्क बना लेते हैं यहाँ पर, और इनकी हमने डायमेंशन ऐड की यहाँ पे 5। शेप को इनक्लोज करेंगे, जूम इन आ जाते हैं, कोनों को थोड़ा राउंड कर देते हैं, जब हम राउंड कमांड यूज करते हैं तो समटाइम्स हमारी कुछ लाइंस बचती हैं, तो वो रिमूव कर देंगे। एम रिपीट उस कोने पे भी और ओके। प्रीव्यू करें, आप देख सकते हमारा इस तरह कट आ चुका है। बाकी रिमेनिंग साइड्स पे भी हम ये बनाएंगे। के लिए एक प्लेन बनाते हैं यहाँ पे और सेंटर पे, और इसको यहाँ पे मिरर कर लेते हैं। अब हमारा दूसरी साइड भी ये कट आ चुका है और रिमेनिंग थर्ड साइड पे ये कट बनाएंगे। दोस्तों अगर आप सेम एज सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए मॉडल बनाना चाहते हो तो आप वीडियो स्पीड को कम करते हुए पूरी ओपन करके ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। अब हमारे सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं ताकि हम उसको अगेन यूज कर सकें। कंट्रोल सी, स्केच करेंगे इस प्लेन पे, रेफरेंसेस बनाएंगे और कंट्रोल वी क्लिक करेंगे। स्केल रेशो 1 सेम साइज का हमें चाहिए, और इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे। डायरेक्शन हमें चेंज करनी है तो इसको सेलेक्ट करते हुए मिरर करेंगे, ट्रिम कर लेंगे एक्स्ट्रा लाइंस को। अब सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करेंगे, और इस कोने के साथ यहां पे स्नैप कर ले। ओके, आप देख सकते हैं बिल्कुल उसके साथ अलाइंड है, और ओके प्रेस करेंगे। एज को सेलेक्ट करते हुए एक्सट्रूड प्रेस करेंगे, डायरेक्शन चेंज करते हुए सरफेस सेलेक्ट करेंगे और मटेरियल रिमूव करके ओके। यू कैन सी आवर बुक इज ऑलमोस्ट रेडी। सो यू कैन लर्न मेनी मोर मॉडल्स आल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब ई-टेक।